हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू अर्चनास कॉर्नर। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ लड्डू गोपाल जी की ड्रेस, जो कि मैंने उनको जन्माष्टमी के लिए रेडी की थी और जन्माष्टमी पर पहनाई भी थी। बाकी सब कलर्स मेरे कान्हा जी के पास हैं। येलो कलर की पोशाक मैंने उनके लिए जन्माष्टमी के लिए नहीं ली थी इस बार, क्योंकि मैं उनको पहनाऊँगी छठी वाले दिन। और ये वाली पोशाक मुझे मन था कि मैं इस कलर की पोशाक पहनाऊँ, मोर पंख वाली, क्योंकि मेरे कान्हा जी के पास मोर पंख वाली कोई भी पोशाक नहीं थी। और मुझे लगा कि आपके साथ वीडियो शेयर करनी ज़रूरी बनती है, तो मैंने ये रिकॉर्ड कर ली थी। तो फिलहाल मेरे पास ये ड्रेस का बेस है, जो मैंने खुद ही बनाया है। ड्रेस का बेस बनाना मैं आपको पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ। ये मेरा 8 इंच है टोटल। मैंने छोटा इसलिए लिया है क्योंकि मुझे ये फ्लेयर्स चाहिए थी। अब मैं इसको ना ग्लू गन की हेल्प से, ये 5 मोर पंख लिए हैं मैंने, और इनको मैं ग्लू गन की हेल्प से ऐसे पेस्ट कर दूँगी। देखिए, मैंने इसको कर लिया है पेस्ट। अब जो ये एक्स्ट्रा अंदर की साइड आ रही है ना स्टिक्स, इनको हम थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे। हम लेंगे पोलन और इसको नीचे से इसकी स्टिक कट करके यहाँ पर बीच बीच में पेस्ट कर देंगे, जैसे एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। और मैं ये ना ब्लू कलर की लेने वाली हूँ। पोलन लग चुके हैं, अब हमारा काम रह गया है इस ड्रेस को डेकोरेट करने का। तो आप जिस चीज़ से चाहें उसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये स्टोन लगा दिए हैं, ये देखिए ग्रीन कलर के। अब मैं इस पर ये ब्लू जो बीच में है ना, ये वाला कलर के स्टोन लगाऊंगी और इसको दिखाती हूँ आपको कम्प्लीट करके। मल्टी कलर के आप स्टोन भी यूज़ कर सकते हैं। और इस पर वैसे अगर आप रॉयल ब्लू कलर के बड़े स्टोन लगाएंगे तब भी ये ड्रेस ब्यूटीफुल लगेगी। और मैं आपको फाइनल लुक इसका दिखाने वाली हूँ कैसी बनती है। तो देखिए, है ये हमारे कान्हा जी की ड्रेस बन करके हो चुकी है रेडी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको और किसी साइज़ में कान्हा जी की ड्रेस मेकिंग की वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। और इस पर मैंने स्टोन वर्क लगाकर इसकी जो है ब्यूटी को बढ़ा दिया है। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।